अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियोस देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। सो यस, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के बाद आ चुका है आपका थर्ड पार्ट एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ मरी ब्लॉग्स। सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है ना इन्जॉय किया अपनी इस जर्नी को, इस टूर को, इस विज़िट को मरी में, और आपको नेचर का हमने दिखाया। उसके बाद खैर हमने जो है ना सारा कुछ लेने वेने के बाद, अपनी शॉपिंग करने के बाद जो है ना हमने आ गए थे नीचे बेसमेंट वाली साइड पर अपनी, जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की थी। उसके बाद क्योंकि जोहर का टाइम हो गया था तो वी थॉट कि हम नमाज़ पढ़ लें, सो हमने वज़ू किया और हमने यहाँ पर एक औरतों के लिए एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, सो हमने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। एंड या इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, वहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी बिकॉज बाहर बारिश होना शुरू हो गई थी। एंड खैर फिर हम उसके बाद वहाँ से उतरे, वहाँ से निकले। एंड फन फैक्ट कि मेरी कज़न्स ने मुझे दिखाया कि जो है ना, क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं और बार बार मरी जाते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि क्योंकि हम हाइट पर आ जाते हैं तो हाइट पर आने की वजह से सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो आपके लेज़ होते हैं, आपकी जो भी आप चीज़ें लेके जाते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवा भर जाती है एंड वो बिल्कुल फटने वाला हो जाते हैं और अक्सर फट भी जाते हैं क्योंकि हाइट की वजह से जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। सो येस, दैट्स वाई कि जो है ना आपका इस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बिल्कुल ब्लास्ट होने वाली हो चुकी थी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा ये, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। खैर साथ साथ हवा भी बहुत अच्छी चलना शुरू हो गई थी। एंड येस, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई नो इट्स टू लेट के जो है ना मैं थर्ड पार्ट डाल रही हूँ, उससे पहले मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मिस हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ माय लेजीनेस एंड सम अदर रीजंस की वजह से जो है ना व्लॉग नहीं आ पाया। आल्सो बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और व्लॉग न डालने की काफ़ी रीज़न्स हैं, बट या द मेन रीज़न इज़ कि मेरा प्रैक्टिकल था, लास्ट प्रैक्टिकल इन सात का बाद था, तो मैं वहाँ पर गई हुई थी। कुछ क्लिप्स आपके लिए वहाँ के भी रिकॉर्ड मैंने किए हैं, बट आई थॉट कि मैं उसको मिनी व्लॉग में डालूंगी। मिनी व्लॉग्स अब मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं आपके लिए मिनी व्लॉग्स डालूंगी। सो इट वॉज़ अ बिग अनाउंसमेंट इन दिस वीडियो जो मैं आपके साथ कर रही हूँ कि अब मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डालूंगी। लॉन्ग वीडियोज़ मेरे पास अभी तीन पड़ी हुई हैं, तो इसके बाद दो पड़ी हुई हैं, तो मैं ये वीडियो डालने के बाद आज इंशाल्लाह वो दो वीडियोस भी आपके लिए डाल दूंगी। सो अब मैं आपका और अपना दोनों का टाइम बचाने वाली हूँ, सो जल्दी जल्दी से जो है ना मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँगी। एंड इसके बाद दो और वीडियोस हैं जिनको एडिट भी करना है एंड इसके बाद पोस्ट भी करना है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 12 बजे से पहले आपके पास दोनों की दोनों, तीन की तीन वीडियोज़ आ जाएँ एंड आपके पास जो है ना आराम से बल्क ऑफ वीडियोज़ हो जाए जिसको आप देखें। एंड इंशाल्लाह उसके बाद से जो है ना मैं मंडे से होप सो स्टार्ट करूँगी आपके लिए मिनी व्लॉग्स डालना, जिसमें मैं आपको एक एक मिनट के शॉर्ट्स डालकर बताऊँगी कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, बिकॉज एज सच कॉन्टेंट मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है। आल्सो आप सीन्स देख सकते हैं मरी के, कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। लिटरली जब मैं एडिट कर रही होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि काश मैं उड़ के वहाँ पर पहुँच जाऊँ, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मरी जाने में। बट इफ़ यू आर गोइंग इन टू द विंटर एंड एट द पीक ऑफ विंटर, जबकि स्नो पड़ रही होती है, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, क्योंकि हम जो है ना हम अपने लोकल एरिया से जाते हैं जहाँ पर सर्दी का जो सर्दी की जो रेशो है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो जब आप ऐसे लोकल एरिया से जाते हैं बहुत ज़्यादा विंटर वाले, बहुत ज़्यादा स्नोई एरियाज़ में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं मार्च में गई थी, तब भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा आपको ओपिनियन है कि आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। आल्सो बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सड़क पर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट येस, क्योंकि मैं टेरेस पे खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, सो दैट्स वाई, इसलिए जो है ना पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आपको आ रही होती हैं, बट क्या कर सकते हैं। एंड या आल्सो जो है ना हम ट्रैफिक में फंस गए थे, स्टक हो गए थे ट्रैफिक में, और बारिश भी होना शुरू हो गई थी, और आपको पता है हम अपने कज़िन को छोड़ने जा रहे थे, सो इसलिए वी आर ऑन टाइम कि हमें जो है ना जल्दी जल्दी से पहुंचना था। आल्सो जो है ना बारिश काफ़ी अच्छी ज़्यादा हो रही थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और येस इट वाज अ ब्यूटीफुल लुक। एंड येस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आल्सो मेरा कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था बिकॉज ऑफ के मिरर्स वगैरह जो है ना ब्लर हुए हुए थे, सो इस वजह से मेरा कैमरा जो है ना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। एंड एट दैट टाइम मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे कैमरे में ब्लर फुटेजेज़ आ रही हैं, बट या क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया। सो येस, उसके बाद फाइनली वी आर रीचिंग द डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें अपने कज़न को छोड़ना था, वहाँ पर हम पहुँच गए उसके स्कूल में, आर्मी स्कूल में, क्योंकि मेरा कज़न जो है वो आर्मी में है, आर्मी स्कूल में है बेसिकली फ़िलहाल, तो अभी वो 8th क्लास में, अ लॉट ऑफ जर्नी जो है ना अभी उनके आगे पड़ी हुई है। सो मे अल्लाह सक्सीड हिम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एंड येस। सो उसके बाद जो है ना हमने उनको छोड़ा, काफ़ी ज़्यादा रश हुआ हुआ था बच्चों का, और बारिश क्योंकि हो रही थी
सो खैर हम गाड़ी में बैठ कर इंतज़ार कर रहे थे एंड उनके फादर और जो है ना बाकी सब जो है ना उनको छोड़ने गए थे एंड मैं गाड़ी में बैठी हुई थी सो दैट क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम लोग जो है ना गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे कुछ छोड़ने चले गए थे। आज जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो हम यहाँ से बादलों में से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितने ज़्यादा बादल से धुआं सा आपको लग रहा होगा, स्मोक सी लग रही होगी बट दीज आर एक्चुअली द क्लाउड्स। ओके खैर उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा कैमरा भी ब्लर होना स्टार्ट हो गया है और यस मैंने कहा चलें आपके लिए शूट किया जाए और फिर मैं ना दिखाती तो फिर ये भी ना इंसाफी होती कि आपको दिखाया नहीं मैंने, सो ब्लर हो रहा था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए ढाल दिया जाए। एंड अभी मेरे पास बहुत सारा वर्क पड़ा हुआ है एंड या वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है साथ का बात क्योंकि मैं गई थी प्रैक्टिकल देने के लिए, उसके फोटेजेस भी मेरे पास हैं इंशाल्लाह वो मिनी व्लॉग में मैं डालूंगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं। एक्चुअली बहुत टफ़ होता है लॉन्ग वीडियोज़ को मैनेज करना और लॉन्ग वीडियोज़ को कंटिन्यू रखना, सो आई थॉट कि कुछ ब्रेक ली जाए, ऑलमोस्ट वन मंथ की ब्रेक ली जाए, वन मंथ की ब्रेक में मैं आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड करूँ सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है एंड आप लोग भी क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें पता चले कि मनाहिल क्या कर रही है। सो जी इंशाल्लाह आपको जो है ना मनाहिल मायूस नहीं करेगी और चैनल को कंटिन्यू रखेगी। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि मनाहिल ने शायद चैनल क्विट कर दिया, तो बिल्कुल भी नहीं जी, आपकी बहन इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं है, इंशाल्लाह आपके लिए व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। उसके बाद हम जैसे जैसे जो है ना इस्लामाबाद के करीब आ रहे थे तब बारिश बढ़ती जा रही थी, तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। आल्सो वेदर इज़ अमेजिंग, बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी एंड या अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा, बहुत मज़ा आया। आल्सो जब आप हाइट पर जा रहे होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह सी फील हो रही होती है बट जब आप डाउन आ रहे होते हैं बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन की तरफ इस्लामाबाद की तरफ आ रहे होते हैं सो यू फील बेटर। आल्सो जो है ना आस्ते आस्ते धूप निकल आई थी एंड धूप भी हो गई थी और जो है ना हम फिर से ट्रैफिक में फंस गए थे और काफ़ी ज़्यादा धूप जो है ना स्टार्ट हो गई थी जैसे जैसे हम इस्लामाबाद के करीब आए थे। और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई थी अल्लाह की कुदरत पर कि किस तरह से मरी में अच्छी खासी बारिश हो रही थी एंड इस्लामाबाद में अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। सो या अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रीचिंग द इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद में हम जैसे ही एंटर हुए सो इस्लामाबाद में आते ही आपको इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है कि आपको अंदर से आपकी जो सोल है ना वो खुश हो जाती है कि वाह सुभान अल्लाह क्या चीज़ देख ली हमने। सो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है ना आपको व्यू मिलता है देखने के लिए। सो यस अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड एंड बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है सो इंशाल्लाह आपके साथ करते रहेंगे बातें और आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें एंड मेरे मिनी व्लॉग्स के लिए आप मुझे बताइए कि मिनी व्लॉग्स जो मैंने डिसीजन लिया है दैट वाज गुड और नॉट, कि मिनी व्लॉग्स ही डालूँ या आप लॉन्ग व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं। आई थॉट कि मिनी व्लॉग्स डालूँ, इससे ये होगा कि जो है ना मुझे जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर सकूँगी मंडे से। ओके हम सीरीज स्टार्ट करेंगे मिनी व्लॉग्स की, सो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये फैसला ठीक है या नहीं है क्योंकि मिनी व्लॉग्स जल्दी एडिट हो जाएंगे, जल्दी अपलोड हो जाएंगे और हर दिन डाल सकूँगी क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ को एडिट करना, अपलोड करना और उसको शूट करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है मेरे लिए। सो उम्मीद है आप लोग समझेंगे एंड सपोर्ट करेंगे हमेशा की तरह जिस तरह आप करते हैं, अपना प्यार हमेशा दीजिएगा। सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको मेरे मिनी ब्लॉग्स के भी जो है ना नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड आप उसको सबसे पहले वॉच करें, कमेंट करें एंड या लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मनाहिल। सो या इसके बाद आपके लिए दो बोनस वीडियोस आ रही हैं सो जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर लें एंड वेट करें इंशाल्लाह मैं एडिट करते ही 12 बजे से पहले पहले अपलोड कर दूंगी, आप सुबह भी देख सकते हैं, आप अभी भी देख सकते हैं, इट्स ऑन अप टू यू एंड या अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।